ये मेरी मम्मी और आंटी कुछ बना रही हैं, पता नहीं क्या, और मैं उनके छत में बहुत सारी मस्ती कर रही हूँ, घूम रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐसा दिखता है इनका पीछे का, और मैं यहाँ पे अलग अलग पोजेस दे रही हूँ। वो आंटी आ गई हैं, पता नहीं पूजे के कुछ सामान वो कुछ तैयार कर रही हैं। मैं उधर खड़ी हो रही हूँ, बार बार आ रही हूँ, और आप कुछ देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आंटी ने रख रखी हैं पूजा के लिए, और उनकी जो छोटी बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा उधर घूम रही है, खेल रही है, और मैं भी उसको खिला रही हूँ, और बहुत ही मज़ा आया था उस दिन। और आंटी ने जो डेजर्ट बनाया था एक मिठाई टाइप का, वो बहुत ही अच्छा लगा था। और एक बार मम्मा ने रसमलाई बनाई थी तो वो वाली मिठाई बन गई थी, उसको गोइंठा गोड़ी बोलते हैं ओडिया में। और ये हमारा लाइट दिया गया है, शाम की वक्त हो गया है, रंगोली बना रही है मेरी मम्मी। आंटी भी बनाकर जा चुकी हैं और मुझे इन्होंने कैमरामैन बना दिया, मैं बैठकर पूरा दिन शूटिंग करती रही। और उनकी छोटी सी बेटी बोल रही है मुझे भी कलर्स दो, मैं भी करना चाहती हूँ। वो बहुत ही छोटी है और बहुत प्यारे प्यारे बातें करती है। मेरी मम्मी का पता नहीं क्या कर रही है, फूल वूल पता नहीं, और उसने कुछ ड्रेस टाइप का डिज़ाइन करके एरोमार्क वर्मार्क दे रखा है। और ये मैं मेकअप कर रही थी तो ये जो छोटी सी लड़की है वो बोल रही है क्या है, क्या भूतनी बन रही है ये। और ये उनके बड़े बेटे हैं, ये मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं कि मैं भूतनी दिखती हूँ मेकअप करके, सो मुझे बहुत गुस्सा होता है, मैं उनको कभी कभी बाहर कूट देती हूँ। और ये छोटी सी बच्ची है, बोलती है मेकअप करेगी लेकिन सिर्फ बाल संवारते वक्त ये इतना रो रही थी, मतलब बहुत ही रो रही थी वो चिल्ला चिल्ला कर। मेरी मम्मा बोले क्या उसे मार रहे हो क्या, हमने बोला नहीं हम उसके बाल संवार रहे, तो आंटी ने बोला कि जब भी उसके बाल संवारते हैं वो ऐसे ही होती है, और मैं बार बार एक ही हेयरबैंड को पहन रही हूँ और वो कभी सही जगह पे लग ही नहीं रहा है। और ये देख लीजिए पूजा में आग लगाई जा रही है, पूरा भस्म हो जाएगा। और ये मेरे पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर इधर से उधर, उधर से इधर देख रहे हैं। और तो देखिए अभी किसकी, मैं घंटी बजा रही हूँ, वो दोनों पूजा कर रहे हैं, मतलब बच्चों की पूजा होती है और मेरी भी पूजा होगी, बहुत मज़ा आता है। मतलब जब पूजा करते हैं ना तो मैं आशीर्वाद देती हूँ, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ तथास्तु बोलकर ऐसे करती हूँ। मम्मा जब मुझे पूजा करती है तो मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ, मैं बोलती हूँ तथास्तु। और यहाँ पे हमारा करवा चौथ जैसा होता है ना, चांद की पूजा होती है, हमारे यहाँ पे चांद की पूजा होती है, पूर्णिमा के दिन होती है और वो कुमार पूर्णिमा होता है। तो इधर भोग लाया गया है, ये एक्चुअली छत है, छत ऊपर है, सेकेंड फ्लोर में हमारा एक बालकनी था तो उससे वो अच्छे से चांद दिख रहा था, तो हम कर रहे थे, हम बच्चे बैठकर खेल रहे थे, वो लोग कर रहे थे, तो मैं और वो भैया पूजा हो रहे थे, वो छोटी सी लड़की भी पूजा हो रही थी तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, वो बस ही कर रही थी। मैं उसको खींच रही हूँ क्योंकि वो बार बार नीचे जा रही है, और जब वो नीचे जाती है तो मुझे ही भेजते हैं उसको लेकर आना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बार बार नीचे ऊपर आना, मुझे एक जगह बैठना है। तो मैं ढूंढ रही हूँ अरे कहाँ पे बैठूँ मैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खड़े होना, ठीक है, मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ। और उसके भैया बोलते हैं मैंने जो काजल लगा रखा है मेरे को भूतनी बोल रहे थे चुड़ैल, कि तू चुड़ैल दिख रही है काजल लगा कर। मैंने बोला तुम्हें लगा दूँ, तुम तो भूत दिखोगे। नहीं मुझे भूत नहीं दिखना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ बोला। तो हम लोग फिर देखिए, मैं पता नहीं क्यों दो घंटे से पूजा हो रही हूँ, ये लोग चाह हमें पूजा कर रहे हैं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तभी मैं जानी, पर इस बार मैं जानी हूँ, इससे पहले मुझे पता ही नहीं चलता क्या यार चांद की पूजा करते रहते हैं, हमारे भी कोई पूजा हो जाए, ये लोग पता नहीं कब हमारे साथ दो तरफ घुमा देते फिर बस चांद के पैर करते रहते हैं। भाई हम में जीवन है, चांद में थोड़ी ना जीवन है, उनका पूजा करता रहते पूजा करते रहते हैं, तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी ये भोग लगा रहे हैं और मुझे तो मन कर रहा है मैं तो उसको बस खा लूँ जल्दी से, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी दिख रहा था। और वो भैया मेरे ऊपर दुपट्टा डाल रहे थे ऐसे घुमा रहे थे,
और ये जो आंटी है मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। 6 से 8 बजे आंटी बस और मेरी माँ आड़ वाला करके पूजा कर रही थी। और ये वो ये इसको शंख बोलते हैं, तो शंख जब फूंकने गए तो पहली बार दूसरी बार और तीसरी बार चूक गया। पता नहीं पहली मैं जो 2 बार हंसी तो उनसे चूक गया। अभी उनकी वो पूजा हो रही है क्या धूप से, और ये फूंक रहे हैं। मेरे पापा सोच रहे, अरे यार मुझे मेरे को भी पूजा कर दो, सारे बच्चे को पूजा कर रहे हो, मुझे तो पूजा वजा मिलती नहीं है इसीलिए। और ये बस कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हमें रात का खाना और ये जो डेजर्ट गोइंठा गोड़ी मैंने बोला वो था। तो गोइंठा गोड़ी क्या होता है ना, उसका मतलब रसगुल्ले के टाइप में गोल गोल होता है ना, तो वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है और उसका टेस्ट भी कुछ अलग आता है। तो मेरी मम्मी ने पहली बार जब रसमलाई बनाई थी तो मम्मी ने एक बार, तो वो एकदम गोइंठा गोड़ी की तरह होगी, उसके जो गोल गोल थे रसगुल्ले वो इतने हार्ड हो गए। मेरे पापा ने बोला ये देखिए कितना अच्छे अच्छे रसगुल्ले दिख रहे हैं ना, वही वाले होते हैं। तो मैंने तो पूरा चट कर दिया, हम बच्चों ने उन लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो आंटी ने उनके लिए अलग से निकाल रखा था। तो ये हम डिनर कर रहे हैं, और मैंने मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं मेकअप करती हूँ, मैं अच्छे ड्रेसेस पहनती हूँ पता है, पर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा उसको पहन नहीं सकती हूँ। मैं इसको 3 घंटे पहन चुकी हूँ, 2-3 घंटे बस मुझसे नहीं रोका गया। मेरे को ड्रेस चाहिए था, मैं एकदम बेकार थी। आंटी ने बोला कि ठीक है, मैं एक बार उधर आई थी ना तो ड्रेस लेकर आई थी, वो ड्रेस छूट गया था, तो वो उन्होंने बोला कि वो धोकर रखा है, वो पहन ले। वो पहन लिया और पता नहीं मम्मा क्या दोनों कर रही हैं। और ये फोटोज़ हैं हम दोनों ने उठाए थे, हम दोनों ऊपर ये बच्चे। और मैंने शायद 3 कपड़े लिए थे, सीरियसली 3 कपड़े। मैं दोपहर से रुकी हूँ, दोपहर में एक ग्रीन कलर का पहना था, फिर 4 बजे रेड कलर का पहना था, फिर शाम को लहंगा पहना था। तो 3 बार मैंने कपड़े चेंज किए हैं, फिर भी मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। ठीक है, हद होती है 3 बार। हाँ मेरे को पूजा वजह तो करते नहीं है, डांट तो मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि डांट से मुतार दे दो, कुछ भी क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, उससे थोड़ा सा छूट दे दो, नहीं डांट पड़ेगी मार पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारा पूजा होगा। तो वो जो हमें लाए थे मैरन भैया को अंधेरे में बंद करके चली गई थी, तो वो इतना डर रहे थे। और ये आंटी पूजा कर रही है भगवान की, मैं जानती भी नहीं थी। ठीक है, अंधेरा सा रूम था, मैं उसके अंदर घुस गई तो अचानक से उसमें लाइट जल गई, मतलब उसका टाइम होता है ना वो जल जाता है, उस तरफ से भैया ने स्विच ऑन कर दिया था। मैं बहुत डर गई, मैंने बोला काय का लाइट किधर से जन्म हो गया भाई। ये देखो ये मेरे को कैसे पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं इधर से निकल जा। मैं उनको थप्पड़ मारने के लिए, मुझे मन करा था बस, शुक्र करो वो थोड़ा सा बड़े थे इसलिए मन नहीं मारा। ये आंटी पूजा कर रही है और हम तो खेल रहे थे, और ये हम पहुँचे नहीं कि हमारी दौड़ाधड़ी शुरू हो गई। मैं छुप रही थी, पकड़ रहे थे वो भैया मेरे पीछे चले थे, मैं उनके आगे चली थी, पता नहीं क्या वो मुझे पकड़ रहे थे, मैं उनको पकड़ रही थी। बहुत खेला हमने, और छोटी बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो बोल रही थी क्या यार मेरे भैया और बहन पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं मार रहे हैं पीट रहे हैं, मुझे क्या कर देंगे। वो जाकर चुपचाप बेड पे सो गई। ठीक है, तो ये उस इस रूम में हम बैठे थे, तो मैं बैठी थी, हमारा पूरा लड़ाई चल गया था, हमने बैट उठा लिया था, अलग अलग सारे चीज़ उठा लिए थे, मारा मोरी। और मन्ना क्या किया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उनको मारा। ठीक है, उनको मारा, उनको मतलब उधर से डाल दिया, मैं बाहर दौड़ी पूरे 100 की स्पीड पे। मेरे पापा बोल रहे हुआ क्या है, मतलब वो 2 घंटे से हमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या। सो ये था मेरा व्लॉग, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब।